हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट स्टॉक जिसमें आप लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हो। कौन सी बेस्ट है सबसे पहले, और आप उसके अलावा आप लोग किस तरह बाय करोगे वो भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय करने के दो तरीके हैं यार। ऑनलाइन ब्रोकरेज से आप लोग बाय कर सकते हो, या आप लोगों को मैंने वो भी बताया स्टॉक मार्केट में अकाउंट किस तरह घर बैठे क्रिएट कर सकते हैं, वरना आप लोग ब्रोकर के पास जाके तो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं उनके बारे में बताऊँगा, थोड़ा सा वो डिटेल बताऊँगा कंपनी की, जितनी मुझे डिटेल पता है आप उनको बाय कर सकते हो। सबसे पहले यार मेरे पास ये है जो वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस टाइम आप लोगों को हर कोई रिकमेंड करता है, वो है मौरी स्टॉक पेट्रोलियम। मौरी पेट्रोलियम कंपनी की शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। मौरी पेट्रोलियम को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर बाय कर सकते हो। तो इनकी अगर हम लोग यहाँ पर देखें स्टॉक मार्केट में आप लोग देख सकते हो, इस टाइम ये माइनस में भी बीच में चल रही, 450 रुपये के करीब 450 रुपये के करीब ये चल रही है। तो अगर इनकी बात करें यहाँ पर आप लोग देखते हैं क्वार्टर वगैरह, अपकमिंग अर्निंग्स वगैरह, उसके अलावा यहाँ पर फिनांस आप लोग इनका रेवेन्यू प्रॉफिट भी देख सकते हो। यहाँ पर माइनस में थे, यहाँ पर भी माइनस में थे, और यहाँ पर अभी नेट इनकम आप लोग देखते हो प्लस में, अगर हम ग्राफ कार्ड की बात की जाए। इसके बाद इनके फिनांस में अगर आप फाइनेंशियल ईयर्स वगैरह में आप लोगों को तमाम डेटा मिल जाएगा है। ये मैंने वेबसाइट भी ओपन की है, ये भी बता दूँगा किससे आप लोग मोर डिटेल में कर सकते हो। पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, मगर आप लोगों को इतनी डिटेल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को मार्केट कैप भी आप लोगों को मिल जाएगा, डिविडेंस आप लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर इनके जो फाइनेंशियल ईयर रही है, कंपनी कब प्रॉफिट करती रही है, लॉस कब करती रही है, ये तमाम चीज़ें नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ऊपर आप लोगों को बताइए। पाकिस्तान में भी ये कुछ अर्से के लिए आप लोगों को बताइए एक अच्छी रहेगी, क्योंकि 5 से 10 साल के लिए, क्योंकि आप लोग अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी इसके बारे में और जानने के लिए आप लोग चेक कर सकते हो स्टेटस वगैरह इसके क्या करती रही है। यहाँ पर अर्निंग टू रेशो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को आपको मिली है। उसके बाद डिविडेंड्स लोग देख सकते हो कि इसने दिया या नहीं दिया, तकरीबन हर साल ही आप लोगों को 2020 के बाद डिविडेंड्स देती रही है। पिछले साल 2024 में, इस साल फाइनेंशियल ईयर में आप लोग देख सकते हो इसने डिविडेंड्स काफ़ी अच्छा दिया है, जो तकरीबन यहाँ पर 30 से 40% आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोग देख सकते हो इसने डिविडेंड्स भी इस ईयर में दिया। यहाँ पर आप लोगों को और डिटेल मिल जाएगी, 14 रुपये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसने फाइनल मतलब इसी ईयर में इसने दिया, उसके बाद 10 रुपये दिया। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसने 6 रुपये, और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा पहले पे आप लोगों को यही कंपनी बहुत सारे लोग रिकमेंड करेंगे, मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। अर्निंग रेवेन्यू अगर आप ये आप लोग चेक कर सकते हो, अच्छा ये जो है ये आप लोगों ने लॉन्ग टर्म नहीं इन्वेस्ट करना, शॉर्ट टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अगर अपकमिंग डेज में पेट्रोल की कीमत या पेट्रोल मतलब यूजेस कम हो चुकी है, पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं, बट अभी ये 5 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना आप ही चाहे। आप लोग इसके बारे में और न्यूज़ वगैरह भी आइडियाज़ वगैरह भी और चेक कर सकते हो। ठीक है, मौरी पेट्रोलियम लिमिटेड पहली कंपनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारे पास दूसरी जो है वो तो यार चीज़ें चलती रहेगी, फौजी फर्टिलाइज। ठीक है, तो फौजी फर्टिलाइज आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो इसका ग्राफ अगर आप लोग चेक करना चाहो, यहाँ पर आप लोग 5 ईयर का ग्राफ देखो तो पॉजिटिव में ही है, क्योंकि फौजियों के अंडर में ये आती है। और इसके अलावा इसके यहाँ पर देख सकते हो 48 रुपये में यहाँ पर आप लोगों को तकरीबन इसकी शेयर की प्राइस देखने को मिली है। और भी आप लोग ग्राफ वगैरह आप लोग अगर स्ट्रॉन्गली बाय वगैरह भी आप लोग देख सकते हो, मीटर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात कर लें टेक्निकल, इसकी टेक्निकल्स में आते हैं, तो टेक्निकल की बात करें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग स्ट्रॉन्गली बाय आप लोग कर सकते हो, सेल आप लोग ये देख सकते हो, ये तमाम चीज़ें भी आप लोग इस वेबसाइट पे मैं जाऊँगा। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर्स वगैरह हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या इसने डिविडेंस दिया है, स्टेटस क्या है, स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2.7% का दिया है, 1.74 एम्प्लॉयज है। फाउंड कब हुई थी? ठीक है, 1993 में फाउंड हुई, मतलब काफ़ी पुरानी कंपनी है। और यहाँ पर वेबसाइट वगैरह इनकी जाके और भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को तमाम चीज़ें कंट्री वगैरह आप लोगों को पाकिस्तान, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसने कितना डिविडेंड हिस्ट्री अगर आप लोग देखो तो इन्हें 2022 में दिया था और 2023 में दिया, 24 में मेरे ख्याल से अभी तक नहीं दिया, बट आप लोग ये हाईली रिकमेंड है, क्योंकि सीमेंट चलता रहेगा, कंस्ट्रक्शन तो कभी नहीं रुकती, तो इस वजह से ये कंपनी उनको देखने को हमेशा के लिए मतलब सही अच्छी देखने को मिलेगी। अर्निंग वगैरह देख सकते हो, डिविडेंस वगैरह देख सकते हो, अच्छा 2023 में इन्होंने दिया था 1 रुपये का पाकिस्तान में, ठीक है 1 रुपये का डिविडेंस इन लोगों ने सिर्फ 2023 में दिया, अभी 24 में कोई भी नहीं दिया। उसके बाद रेवेन्यू वगैरह आप लोग इन कंपनी का चेक कर सकते हो, प्लस में ही जा रहा है पावर, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में और अगर डिटेल चाहिए तो आप लोगों को और मिल जाएगी। इसके अलावा हम लोग इसके एक और कंपनी की बात कर लेते हैं, वो आप लोगों को एनग्रो फर्टिलाइज मिल जाएगी, क्योंकि यार खादें तो खत्म नहीं होंगी, खादें तो डरेंगी जमीन वाली खादें, उसके बाद जानवरों की खादें वगैरह, ये तमाम चीज़ें इनके अंदर कंट्रोल होती है। इनके बारे में और भी आप लोग सर्च कर सकते हो, काफ़ी पुरानी कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2009 में फाउंड हुई थी ये, इस टाइम यहाँ पर आप लोगों को इनकी जो शेयर की प्राइस है वो
88 से 89 रुपीज़ दिख रही है। अगर हम इसका ओवरव्यू भी देखें तो यहाँ पर ओवरव्यू में आते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि ओवरव्यू इसका कैसा हमें देखने को मिला तो मतलब इसके जो शेयर्स हैं वो किस तरह के गिरे हैं या बढ़े हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आप लोगों को बताया मिजान बल्कि दूसरी फौजी फर्टिलाइज आप लोगों को मैंने बता दी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ये देख सकते हो इसका आप लोग चार्ट वगैरह देख सकते हो। ऑल टाइम अगर 5 ईयर का करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 77-69 रुपीज़ से तकरीबन शुरू हुई थी, तो ये आस्ता आस्ता ऊपर ही जा रही है इस टाइम और इसके शेयर्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। 186 से आप लोग देख सकते हो इस मंथ ही सिर्फ आप लोग देख सकते हो इसके शेयर्स में 20 से 25 इजाफा हुआ है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर्स वगैरह आप लोग देख सकते हो और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स वगैरह भी हमें दे रही होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तकरीबन ये हर साल आप लोगों को देती रही है। यहाँ पर देख सकते हो 2019 में इसने दिया, 2020 में, 21 में, 22 में और 23 में भी आप लोगों को देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग जैसे 2024 की बात कीजिए 3 रुपये दिया, 8 रुपये दिया, फिर 8 रुपये दिया, 6 रुपये दिया और इनके बारे में आप लोग और भी चेक कर सकते हो। अर्निंग और रेवेन्यू इसका देख सकते हो कि भाई प्लस ही जा रहा है या माइनस में जा रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कंपनी अगली आ जाती है। ये मैं आप लोगों को रिकमेंड इतना नहीं करता बट आप लोग अगर इसको लेना चाहते तो ले सकते हो, मुझे लगता है क्योंकि इनके अंडर बहुत सारी प्रोडक्ट्स अभी इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देखने में मेरे जो मेजर प्रोडक्ट अच्छी लगी है इनकी मिजान बैंक, आप लोग बाय कर सकते हो इनके शेयर। इनके शेयर की जो प्राइस है इस टाइम मार्केट में जा रही है वो तकरीबन आप लोगों को 225 रुपये आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अभी बहुत सारे लोग PTCL वगैरह स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पर PTCL को भी इन्वेस्ट कर सकते हो। PTCL भी बिका था एक साल पहले तकरीबन, ये तब का था 800 मिलियन का। खैर, ये तब इसकी आप लोग देख सकते हो प्राइस 11 रुपये है। इसके भी आप लोग अगर देख सकते हो काफ़ी अच्छी कंपनी PTCL में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है क्योंकि प्राइवेटाइज हुई है तो इंप्रूवमेंट तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग जैसे इनके शेयर की प्राइस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बाद इसके बारे में आप लोग और चेक कर सकते हो वेबसाइट पर आकर, यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह पर देख सकते हो। पीछे माइनस में भी चल रही थी बट फिर उसके बाद ये प्रॉफिट में भी एक मिनट वगैरह आप लोग इसकी चेक कर सकते हो और इसमें भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है अगर ये ग्रुप अच्छा परफॉर्म करता है एंड उम्मीद है कि आप देख सकते हो, उम्मीद है मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके बाद एक और स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें हाईली रिकमेंड तो नहीं करूंगा बट इसको शॉर्ट के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि अगर ये कंपनी प्राइवेटाइज हो जाती है इंटरनेशनल एयरलाइन, अगर ये प्राइवेटाइज होती है तो यहाँ पर इनके शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी देख सकते हो पीछे बातें चल रही थी कि इनके शेयर आप लोगों देख सकते हो आसमान पर पहुँच गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहले इनके शेयर 9 रुपये थे 2024 में और यहाँ पर अगर हम लास्ट मंथ की बात की जाए तो यहाँ पर 22 रुपये हो चुका है। अगर ये कंपनी प्राइवेटाइज होती है मतलब आप लोग उन सरकारी कंपनी खाते से जाती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आप लोगों को देखने का, इनकी सर्विस अच्छी होगी तो इसकी वजह से इसके शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तकरीबन 2 से 3 मंथ में आप लोग देख सकते हो इसके शेयर की काफ़ी प्राइस अप और होने वाली है यहाँ पर ये देख सकते हो। उसके बाद अगर बात की जाए तो इनकी इन लोगों ने अभी ये प्रॉफिट में नहीं है, बहुत पहले भी ये प्रॉफिट में थी, अभी ये लॉस में चल रही है। अगर ये शेयर आप लोगों के हो जाती है ठीक है, यहाँ पर इन लोगों का फाइनेंशियल ईयर अभी लॉस में चल रही है, तमाम ईयर्स से काफ़ी अर्से से लॉस में चढ़ गया। एनुअल वगैरह क्वार्टर वगैरह आप लोग चेक कर सकते हो। अगर ये प्राइवेटाइज होती है तो इसमें आप लोगों को काफ़ी जंप देखने को मिल सकता है, हो सकता है इसे डबल या ट्रिपल इसकी प्राइस हो जाए तो आप लोग इसको भी बाय कर सकते हो। और मिजान बैंक का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोग इसकी स्टॉक को भी देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को अगर आओगे इसकी डिटेल में आप लोग मतलब यहाँ पर आके मिजान बैंक की डिटेल भी आप लोग ले सकते हो कि इनकी स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि यहाँ पर इनकी स्टॉक इसलिए अच्छा परफॉर्म होगी, इनकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं जो मार्केट में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। जिस तरह अभी इनकी कोलन एक्स प्रोडक्ट आई थी मिजान बैंक के अंडर तो वो भी उस वजह से भी इनकी कुछ ग्रुप की जो है अर्निंग वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर जंप भी देखने को मिला था और उससे बाद भी आप लोगों को इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की इनकम अच्छी हो सकती है। इस बैंक में मिजान बैंक को भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर इनकी प्रॉफिट रेंज मॉरेंज